गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर फोर्टीन कंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रक्शंस मतलब कि जहाँ हमें कुछ टर्म्स ड्रॉ करनी होती है यूजिंग अवर कंपस स्केल प्रोटेक्टर एंड वी हैव टू ड्रॉ सम ऑब्जेक्ट्स सम फिगर्स वी हैव टू ड्रॉ देम यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द स्केल प्रोटेक्टर कंपस एट्सेट्रा ओके सो लाइक इन पेज नंबर टू हंड्रेड फोर वट वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन वन कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर मीन्स डी का यूज करके हमें कुछ एंगल्स ड्रॉ करने हैं सो अब देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम पहले भी क्लास फाइव में भी कर चुके हैं फोर में भी कर चुके हैं तो सेम मेथड का यूज करके अब हम ये एंगल ड्रॉ करेंगे सो नाउ वी विल ड्रॉ द एंगल्स लाइक द फर्स्ट वन हेयर वी हैव टू ड्रो द एंगल पी क्यू आर इज इक्व टू थर्टी डिग्री कि हमें थर्टी डिग्री का एंगल बनाना है तो देखो हम कैसे बनाएंगे फर्स्टली ड्रॉ अ लाइन यूज इन द स्केल हमने स्केल का यूज करके एक लाइन ड्रॉ कर दी यू कैन इजली ड्रॉ इट एंड देन टेक अ प्वाइंट फर्स्टली दिस वन एंड देन दिस वन यू कैन गिव इट द नेम ऑल्सो बट फर्स्टली हम ड्रॉ करेंगे देन हम नेम इसको मैंशन करेंगे सो so, अब थर्टी डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है सो फर्स्टली पुट यूर प्रोटेक्टर ऑन दिस प्वाइंट अब आपको दिख रहा है कि आपका प्रोटेक्टर में यहाँ एक पॉइंट होता है तो ये पॉइंट आपका इस पॉइंट पे एग्जैक्टली कवर अप होना चाहिए और प्रोटेक्टर की जो ये लाइन होती है ये इस लाइन को एग्जैक्टली कवर करे मीन्स ऊपर नीचे ना आए एग्जैक्ट कवर करे इस तरीके से कि हमें नीचे वाली लाइन हमारी विजिबल नहीं होनी चाहिए तो देखो हम कैसे रखेंगे इसको पॉइंट ऑन पॉइंट एंड लाइन ऑन लाइन एग्जैक्ट कवर अप कर गई है अब हमें 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो 30 डिग्री का एंगल हम देखो कैसे ड्रॉ करेंगे जब भी हमारी ये बेस लाइन होती है अगर बेस लाइन हमारी राइट साइड जा रही है आपको दिख रहा है प्रोटेक्टर में टू स्केल्स हैं टू जगह मेजरमेंट्स हैं लेफ्ट टू राइट भी है और राइट टू लेफ्ट तो so, आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर टू स्केल्स हैं हमारे इनर स्केल और आउटर स्केल टू स्केल होते हैं यहां पे इनर स्केल और आउटर स्केल दोनों के अलग अलग मेजरमेंट हो जाता मेजरमेंट सेम है बस फॉर्मेट अलग हो जाता है एक लेफ्ट टू राइट है और एक राइट टू लेफ्ट है तो जब भी अगर आपकी बेस लाइन राइट साइड जा रही है तो दैट मीन्स हमें इसका इनर स्केल देखना है और अगर हमारी बेस लाइन लेफ्ट साइड जा रही होगी दैट मीन्स वी हैव टू सी द आउटर स्केल सो अगेन हमने पॉइंट पर पॉइंट एंड देन लाइन ऑन लाइन सो देट इट केट कवर द बेस लाइन एंड द बेस पॉइंट आपको क्लियरली देखो दिख रहा होगा कि नीचे वाली बेस और पॉइंट हमें विजिबल नहीं है सो so नाउ अब आपको पता है जो बेस लाइन है वो राइट साइड जा रही है दैट वी हैव टू सी द इनर सर्कल अब इनर सर्कल में आप देख रहे हैं कि थर्टी डिग्री कहां है दिस वन सो थर्टी डिग्री के एग्जैक्ट सिक्वेंस में हम यहाँ पॉइंट पुट कर देंगे एंड इस पॉइंट को हम इस वर्टेक्स से मीट कर देंगे इसके साथ हम इसको मिला देंगे लाइक दिस देन दिस इज अवर एंगल थर्टी डिग्री एंड वी कैन गिव इट द नेम लाइक द एबीसी पी के ओ आर वट एवर यू वॉन्ट टू गिव इट द नेम यू कैन गिव इट आफ्टर दि द अदर क्वेश्चन आर ऑल्सो द सेम मेथड लाइक वी विल डू द डी पार्ट एंगल डीई एफ इज इक्वल टू वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव डिग्री सॉरी इन दार्ट पी केम गिवन था ना देट मींस वी हैव टू गिव द सेम नेम सो यहाँ पीकेओ आर आएगा नेक्स्ट so है देखो डी पार्ट हम देखते हैं इसका ई एफ इज इक्वल टू वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव डिग्री तो सेम मेथड है फर्स्टली ड्रॉ अ लाइन एक हमने बेस लाइन ड्रॉ कर दी एंड देन वी कैन गिव देम टेक द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस इसका पॉइंट ले लिया अब कितना 175 डिग्री मेजर करना है ना सो फर्स्टली पुट पॉइंट पॉइंट ऑन ऑन एंड यूजिंग द सेम मेथड जैसा हमने उसमें किया था तो अब पता है कि हमारी जो बेस लाइन है वो राइट right साइड जा रही है दैट मींस वी हैव टू सी द इनर सर्कल तो इनर सर्कल में 175 डिग्री तो 175 डिग्री देखो कहाँ आएगा 170 और 180 के बीच में ना इनर स्केल देखने हैं तो इन दोनों के बीच में आएगा एग्जैक्ट दैट मीनस दिस वन तो ये हमारा 175 डिग्री का एंगल आ गया तो इस पॉइंट को आप वर्टेक्स के साथ मेन वर्टेक्स के साथ मीट कर देंगे दिस वन सो दिस विल बिकम द एंगल 175 डिग्री अब अगर नेम सेम गिवन होता है जैसा नेम गिवन होता है हम वही नेम देते हैं एफ गिवन है ना तो डीई एफ का मतलब मिडल में तो ई e है और एक तरफ डी एक तरफ एफ तो एंगल डीई एफ इज 175 डिग्री सेम है क्वेश्चन सेकंड हमारा ड्रॉ एन एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 105 डिग्री 105 डिग्री का एंगल है टेक अ पॉइंट डी इन इट्स इंटीरियर सेम वे में आप एक एंगल ड्रॉ कर देंगे फर्स्टली 105 का अब आप आपको ड्रॉ करना तो आता ही है 105 का आपने एक एंगल ड्रॉ कर दिया देन टेक अ पॉइंट डी आपने एक पॉइंट लिया डी अब क्या कहता है कि ज्वाइंट बी डी इसका नाम क्या था देखो एंगल का ए बी सी और ये पॉइंट हमारा डी था तो बी और डी को आप मीट कर देंगे एंगल तो ड्रॉ करना आता ही है डी और बी को हमने क्या कर दिया मीट कर दिया मिलाने के बाद कहता है वेरीफाई दैट बाय मेजरिंग दैट एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल एबीसी तो आप ये करके देख सकते हैं कि आप इन दोनों एंगल की जब मेजरमेंट करके देखोगे तो जो वैल्यू आएगी उन दोनों को जब आप एड करके देखोगे तो वो हमारा एग्जैक्टली वन हंड्रेड फाइव के इक्वल होगा ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड मेजर ईच एंगल ऑफ दिस फिगर हमें इस फिगर के सारे एंगल मेजर करने हैं तो मेजर करना आप सबको अच्छे से आता ही है तो एंगल को मेजर हम यूजिंग द डी इजिली इसको मेजर कर सकते हैं सो यू हैव टू डू दिस टू क्वेश्चन क्वेश्चन वन एंड टू इन योर फेयर नोटबुक थैंक यू